पूरे विश्व के सम्मुख अपने हार्दिक भावों को व्यक्त कर रही है। साहिब कहते हैं, संतों, जब मैं इस संसार में कुछ बोलता हूं तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। फिर कभी कभी मैं सोचता हूं कि कुछ ना बोलूं, चुप रहूं, लेकिन मेरे मन में पीड़ा होती है कि बिना बोले कैसे बनेगा, अन बोले ते कैसे बने, शब्द ही कोई न बिचारे, क्योंकि पूरा संसार शब्द की शक्ति पर विचार नहीं करता। संसार भोला हुआ है, इस भोले हुए संसार के नर नारियों को ज्ञान देने के लिए हमको बोलना पड़ता है। तो बोलने के नाम पर कबीर साहब क्या बोलते हैं? घर में जो व्यक्ति सही बात ज्यादा बोलता है, सब घर के लोग उससे नाराज होने लग जाते हैं। घर के लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा सही बोलो और थोड़ा नहीं बोलो और थोड़ा चुप रहा करो। तुम ज्यादा सत्य बात करो, घर के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस संसार में झूठ का प्रभाव बहुत है, क्योंकि ये संसार ही सब झूठा है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे संसार को झूठ समझ कर डाल दीजिए। झूठ झूठा कह डारहू मिथ्या ये संसार, तेही कारण मैं कहत हूँ जाते हो ये उबार। गाइए, भाव से गाइए, जो गुरु जी गाए सब लोग दोहराओ। झूठ झूठा कह डारहू, झूठ को झूठ समझकर डाल दो। मिथ्या ये संसार, ते कारण मैं कहत हूं जाते हो ये उबार। झूठ झूठ है, झूठ में भी शक्ति होती है। रस्सी में सांप नहीं है, लेकिन यदि रस्सी में तुमको सांप एहसास हो जाए, रस्सी का सांप झूठा होता है, रस्सी में सांप हो नहीं सकता, रस्सी सांप हो नहीं सकती, रस्सी सांप होती ही नहीं है, रस्सी तो रस्सी है, लेकिन कितने लोग रस्सी को सांप मान लेते हैं, और मान लेते हैं वो झूठ मान लेते हैं, उनके मानने से रस्सी सांप थोड़े हो जाती है, रस्सी तो रस्सी ही रहती है। रस्सी समझते हो कि नहीं? रस्सी डोरी, लेकिन जिनको रस्सी में सांप दिखता है, आहा, जिनको रस्सी में सांप दिखता है उनको असली सांप जैसा भय लगता है। असली सांप में जो भय होता है, रस्सी की नकली सांप में भी भय असली होता है। पसीना आता है, घबराहट होती है, और डर करके तुम भागते भी हो, और गिर भी पड़ते हो और चोट लग जाती है, उठ के फिर भागते हो और घर में आकर चिल्लाते हो कि सांप था सांप। घर के लोग टार्च लेकर जाते हैं, डंडा लेकर जाते, घर के लोग भी घबराए हुए, पूछते कहां था, बोले यहां था। सांप होता तो चला गया होता, वो रस्सी थी वो वहीं की वहीं पड़ी,
तो जल्दबाजी में घर के लोग भी देखते नहीं कि सांप है कि रस्सी है, उस पर 100-200 डंडे मार देते हैं। अब मारने के बाद समझते हैं अभी इसका काम तमाम हो गया, फिर टार्च लगा कर देखते हैं तो घर के लोगों को खुद के ऊपर हंसी आती है कि हम बहुत बेवकूफ आदमी रस्सी को पीट रहे थे। और जो रस्सी को सांप मानकर डर कर भागा है, गिर पड़ा है, घुटने में चोट लगी है, लंगड़ा रहा है, वो तो और ज्यादा हंस रहा है कि सांप तो था ही नहीं लेकिन चोट तो लग गई है। रस्सी का झूठा सांप भय सच्चा देता है, डर सच्चा पैदा करता है, और रस्सी का झूठा सांप चोट सच्ची लगा देता है, पसीना सच्चा निकाल देता है, दिल में घबराहट सच्ची पैदा करता है। ऐसे झूठा संसार है, लेकिन झूठे संसार में अगर तुम फंस जाते हो तो दुख तो सच्चा मिलता है, टेंशन भी सच्ची मिलती है, असमंजस भी सच्चा पड़ता है। है तो झूठा संसार, रस्सी का झूठा सांप, डर भी सच्चा है, भय भी सच्चा है, चोट भी सच्ची है। ऐसे ही झूठे संसार में लोगों को दुख भी सच में मिल रहा है। जब झूठा संसार है तो दुख क्या है, फिर भी दुखी है लोग, इतना दुखी है लोग, सोते नहीं है लोग, रोज रोते हैं, सुबह अलग ढंग से रोते हैं, शाम को दूसरे स्टाइल में रोते हैं, रात में कुछ लेटेस्ट मॉडल से रोते हैं, फिर सोते हैं, सोते सोते सपने में रोते हैं, और रोते रोते सुबह जागते हैं, जागते हैं मुंह धोते हैं, मुंह धोते धोते फिर रोते हैं, आंसू और मुंह पानी सब धो जाता है। घर के लोग पूछते हैं कुछ दुख है क्या, तो बोलता दुख तो कुछ नहीं है, क्योंकि इज्जत का सवाल भी है। अगर ये कह दो कि दुख है, लोग कहेंगे बहुत मूर्ख है फालतू दुखी है, लेकिन दुख है। और दुख कहो तो किससे कहो, कौन दुख सुनने वाला है? जिससे दुख कहोगे वो तुम्हारी हंसी करेगा कि इसको कुछ अकल ही नहीं। लेकिन दुख है, और ऐसे ऐसे दुख हैं किसी से कह भी नहीं सकते हो और सह भी नहीं सकते हो। आपका बेटा बिगड़ गया है, ये भी दुख है, बेटी बिगड़ गई वो और दुख है, बेटा बेटी कहना नहीं मानते बहुत बड़ा दुख है, बेटी फैशन बहुत कर रही है ये भी दुख है कि इतनी सजावट क्यों कर रही है, सजावट नहीं करेगी तो विवाह भी नहीं होगा, वो विवाह करने की उम्मीदवार है। जिसको दुकान का सामान बेचना है अपना दुकान सजावट करता ही है, सामान ठीक से जमाता है, थोड़ा फूल वूल भी टांगता है लोग आकर्षित करके आए तो, अब उसको विवाह करना है, सजावट नहीं करेगी कौन शादी उसके साथ करेगा। तुम्हारी लड़की होशियार है, पहले से सजा धजा कर दुकान तैयार है, कोई ग्राहक आएगा बर बन जाएगा, दूल्हा बन जाएगा, दूल्हे लोग भी सजावट करते हैं, जो दूल्हा बनने के उम्मीदवार हैं वो खोपड़ी के बाल सेटिंग करने लग जाएं तो समझ लेना सेटिंग चालू है इनकी अब इतना इशारा भी माँ बाप ना समझ पाए तो फिर ये तो मूर्ख ही है। जब उन्होंने बालों पर चालू हो गई है सेटिंग, एक्टिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, कटिंग, तो इसका मतलब क्या है? खोपड़ी चक्कर काट रही है, खोपड़ी के बाल चारों तरफ कट चुके हैं, बाईपास रोड निकल चुका है, खोपड़ी के बीच में थोड़े बाल बचाए गए, चौराहे पर वे बाल उड़ रहे हैं खुर 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 खुर। आइए बाईपास रोड बनी है, पास कर जाइए, जिसे रुकना है चौराहे पर थोड़ा रुक सकते हैं। अब लड़कियां क्या करें, वो बाल को क्या करें, तो वे भी बाल काटती है, थोड़े आगे काट देती है, थोड़े आंखों पर लटका देती है,
दिन भर उसको ऊपर उठाती रहती है, फिर नीचे लटकता है, फिर उठाती है, फिर एक साइड में लटकाती है, देखती है अभी काम नहीं बना तो दूसरे साइड में लटकाती है, देखती अभी भी कोई मूर्ख फंसा नहीं, तो फिर बाल में ऊपर फुला के गुलगुब्बा गुल्लम गुल्ला बना देती कि वो तो उल्लम उल्ला फंसेगा ही, क्या लफड़ा है ऐसा मैंने सच बताता हूं कभी बालों में कंघा ही नहीं लगाया मैंने, कभी भी कंघा नहीं लगाया, पोस्ट ग्रेजुएट तक मैं पढ़ा हूं, एमए किया हूं, कंघा उंगा नहीं लगाया, साल में 4 बार मुंडन करा देता था मैं। लोग पूछते थे तुमको कुछ सजने का मन नहीं, हमने कहा बिना सजे हम सजे हुए हैं, जो सजेगा वो सजा पाएगा, जो सजने से बचेगा वो सजा से बच जाएगा, मेरे को साधु बनना था, जरूरत नहीं। वास्तव में संसार के झूठे खेल में आदमी खेल रहा है, क्या मिल रहा है उसको, ये बाल भी एक दिन पक जाएंगे, ये चेहरा भी बदल जाएगा, हम रहे न रहे दुनिया के लोग कुछ रहेंगे, एक एक करके सब चले जाएंगे, बस एक ही चीज देखना है, तुम्हारे रहने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद तुम दुनिया तो छोड़कर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी खुशबू इस दुनिया में कितने दिन रहेगी, और खुशबू रहेगी कि बदबू रहेगी, राम की खुशबू आज भी है, रावण की बदबू आज भी है, मीरा की भक्ति की सुगंध आज भी है, शिवरी की भक्ति की खुशबू आज भी है, हिरण्यकश्यप कंस दुर्योधन धृतराष्ट्र इनकी मूर्खता की बदबू आज भी है, तुम नहीं रहोगे तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, कभी कभी तुम्हारी मां के मरने के बाद उसको 70 साल तक तुम याद करते हो, मेरी मां ऐसी थी, खुशबू छोड़ कर गई है, कभी कभी पिता के मरने के बाद तुम पिता को 20-20 साल बाद याद करके रोने लग जाते हो, और जब तक पिताजी जीवित थे तब तक तुम पिताजी के गुणों को ध्यान नहीं दे रहे थे, जीते जी अपने मां बाप के गुणों को देखो, जीते जी अपनी पत्नी की अच्छाइयों को देखो, जीते जी अपने पति के अच्छे अच्छे लक्षणों को देखो, जीते जी अपने बेटे के कलाओं को देखो, और जीते जी यदि तुमने अपने मां बाप के गुणों को देख लिया है तो मां बाप के चरणों में तुम्हारा मस्तक नमन हो जाएगा और तुम उनसे क्षमा मांग लोगे कि पिताजी मैं नहीं जानता था आप मेरे पिता के रूप में परम पिता भी हो, और मां मुझे नहीं पता था कि तुम मां के रूप में जगदम्बा भी हो, रंभा भी हो, और देवी भी हो, और लक्ष्मी भी हो, ये उनमें देखो, भाई के गुणों को भी देखो, जीते जी देखना चाहिए, और जितने अधिक गुण आपके अंदर होंगे उतना ही अधिक समय तक आपका प्रभाव रहेगा, दुनिया तो सभी छोड़ते हैं, अर्जुन में धनुष विद्या की कला थी जिसके कारण आज भी अर्जुन को जब याद किया जाता है तो धनुषधारी के नाम से याद किया जाता है, भीम को याद किया जाता है तो गदाधारी के नाम से याद किया जाता है, युधिष्ठिर को याद किया जाता है तो जुआरी के नाम से याद किया जाता है, भीम यदि गदाधारी है अर्जुन धनुषधारी है तो उनका बड़ा भाई वो जुआरी है, सट्टे पे लगा दिया भाइयों को भी, सट्टे पे लगा दिया अपनी पत्नी द्रौपदी को भी, द्रौपदी रो रही है, भरी सभा में भीष्म पितामह बैठे देख रहे हैं, साड़ी खींची जा रही है, पांडव भी देख रहे हैं सिर नीचा किए हुए हैं, और मैं तो होता
पहली बात तो जुआ हुआ खेलने नहीं देता, बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, और दूसरी बात खेल भी देता हूँ, दांव पे लगा देता, फिर भी मैं दांव पे नहीं लगता, साड़ी खींचने वाले को उठा कर ले जाता यहाँ से, बैजनाथ ड्रम डाल देता जाए। साड़ी खींच रहा एक स्त्री की, शर्म नहीं आती पागल कहीं का। और महाभारत पूरी उठाकर पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाराजा दशरथ का कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है, धृतराष्ट्र का कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया है जिन्होंने कोई फोर लेन बनाया हो, और ब्रिज बनाया हो, नहर खोदी हो, सिवाय घर की लड़ाई झगड़ा कलह कलेश रोना धोना यही लफड़म फंसे रहे। ये तुम्हारी रामायण कौन पढ़ेगा और तुम्हारा ये महाभारत कौन पढ़ेगा? अरे तुम राजा थे महाराजा थे, तुमको तो रोड बनानी चाहिए थी, बाग बगीचे लगाने चाहिए थे, गरीबों का दुख मिटाना चाहिए था, तुम अपने घर की उलझन में फंसे रहे, उसी में नाक चुवाते हो, चिल्लपो मचाते हो, बेवकूफ आदमी कहीं का। मैं इस पर विचार करता हूं, ये सब क्या लफड़ा बना रखा है? ये तुम्हारे घर में जो भागवत चल रही, रामायण चल रही, गीता चल रही, ये क्या चल रही? जो महाभारत युद्ध, ये तो आज भी सबके घर में महाभारत चल रही, सबके घर में रामायण चल रही, सब भाई भाई में कलह कलेश है, सबके घर घर में कई कई बैठी। ये मत सोचना कई कई एक अयोध्या में थी और बस खत्म हो गई, नहीं, घर घर में एक एक कई कई नहीं, डबल डबल कई कई बैठी। अरे घर में छोड़ो, आश्रमों में कैकेया बैठा हुआ कैकेया, अरे उसमें छोड़ो, पार्टियों के अंदर कैकेई कैकेया कई है, एक दो नहीं है, सब बहकाने का ही काम कर रहा है, पार्टियों में बहका बहका करके, फूट डाल डाल करके, सब विधायक भागा भागा कर लिए जा रहे हैं। पहले तो मैंने सुना था कि लड़की भाग गई, लड़का भाग गया, लेकिन अब तो विधायक भाग जाता है, सांसद भी भाग जाता है, बड़े बड़े मिनिस्टर भगाए जा रहे हैं, बेंगलोर में रखे गए हैं, होटल में बंद हैं, कहीं दिल्ली में पैक है, ये कोई जिंदगी है? विकास कर रहे हो ये? भाग रहे हो कि विकास कर रहे? ठीक ठाक सरकार नहीं चलाते हो, रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, पतली पतली रोडें हैं, भीड़ बढ़ गई है, उसकी चिंता नहीं तुमको? पूरी महाभारत में मैंने देखा है, भीष्म पितामह इतना प्रबल योद्धा था, सिर लटका कर बैठा हुआ है और द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। धन्यवाद है रामायण के जटायु गिद्ध को, सीता को रावण आकाशी मार्ग से लिए जा रहा है, गिद्ध जटायु देखता है कोई नारी दुखी है, विलाप कर रही है, जा करके तुरंत जटायु ने रावण को संघर्ष किया, रावण के द्वारा छीनने का प्रयास किया कि सीता जी को नहीं ले जा सकते, एक नारी की रक्षा करने में मैं जान दे दूं। रावण ने तलवार चला दी, उसके पंख कट गए, घायल होकर गिर पड़ा। पीछे से राम भगवान आते हैं, जटायु को गोद में लेकर के रो रहे हैं कि ये पंछी धन्य है जो एक नारी की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और ये भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य गुरु और ये कुल गुरु कृपाचार्य, धिक्कार है इनको, धृतराष्ट्र को बाहर से अंधा है, अंदर से अंधा है, एक नारी द्रौपदी का अपमान हो रहा है, साड़ी खींची जा रही है, और ये बड़े बड़े प्रखर योद्धा सब सिर लटकाए बैठे हुए हैं। इसलिए जब भीष्म पितामह की मृत्यु होती है, सरसैया पर वो लेटते हैं, तो वहां कृष्ण भगवान जा करके उनको देख करके हंसते रहते हैं कि मर, रुक रुक कर मर, बीच बीच मर, जल्दी मत मर, लेकिन मर, मैं मुस्कुरा रहा हूं, हंस रहा हूं। एक वो जटायु पंछी है जिसके लिए राम भगवान उसको गोद में लेकर के रो रहे हैं, क्योंकि उसने नारी की रक्षा किया है, इसलिए उसकी मृत्यु के लिए, उसके दर्द के लिए भगवान को भी रोना आ गया। यहाँ कृष्ण भगवान हंस रहे हैं कि ये दुष्ट है भीष्म पितामह, इसको तो कम से कम ब्रेक लगाना चाहिए था। याद रखना, जहां हम आप सब बैठे हों वहां बहुत बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए, उसमें ब्रेक लगाने के लिए खड़े हो जाना चाहिए, उसी का नाम महान होता है।